सुहेलदेव भारतीय समाज पार्टी यानी सुभा सपा और सुभा सपा के मुखिया ओम प्रकाश राजभर को बड़ा झटका लगता हुआ दिख रहा है। जी हां, निकाय चुनाव 2023 से पहले उत्तर प्रदेश में ओम प्रकाश राजभर को शशि प्रकाश का इस्तीफा देना बड़ा झटका कहा जा सकता है, क्योंकि अहम सदस्य थे शशि प्रकाश सुभा सपा के और अब सुभा सपा से इस्तीफा देते हुए नजर आ रहे हैं। साथ ही उन्होंने ओपी राजभर और उनके बेटे पर भी बड़ा आरोप लगाया है। जी हां, यूपी नगर निकाय चुनाव 2023 और लोकसभा चुनाव की तैयारियों में जुटी सुभा सपा को बड़ा झटका लगा है। दरअसल सुभा सपा के प्रदेश उपाध्यक्ष शशि प्रकाश मुन्ना ने पार्टी से इस्तीफा दे दिया है। यही नहीं, उन्होंने सुभा सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष ओम प्रकाश राजभर पर भी गंभीर आरोप लगाए हैं। उन्होंने कहा है कि पार्टी अब अपनी नीतियों से अब भटक चुकी है। ओपी राजभर पुत्र मोह में पड़कर अपने समाज के ही भक्षक बन चुके हैं। शशि प्रकाश सिंह मुन्ना समेदा ने कहा कि सुभा सपा के पार्टी कार्यकर्ताओं ने पसीने को सींच कर खड़ा किया है इस पार्टी को, लेकिन अब ये स्वार्थ के समंदर में गोता लगा रहे हैं, इसलिए अब वो ऐसी उद्देश्य विहीन पार्टी के तमाम पदों से इस्तीफा दे रहे हैं। उन्होंने कहा कि वो अपने जीवन के लक्ष्य पूर्वांचल राज्य का गठन और आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान किए जाने की अपनी लड़ाई के लिए स्वयं सड़क से लेकर सदन तक संघर्ष करेंगे। आपको बता दें कि शशि प्रकाश ने कहा कि आज सुभा सपा केवल पिता और पुत्र की पार्टी बन चुकी है और निम्न स्तर तक नीचे उतरकर मात्र अपने परिवार के राजनीतिक वजूद तलाशती नजर आ रही है। उन्होंने कहा कि हमारे जीवन का लक्ष्य और संकल्प पूर्वांचल का विकास आर्थिक सामाजिक उत्थान रहा है। इसके लिए हम आगामी 9 मई को महाराणा प्रताप जयंती के उपलक्ष पर बड़ा ऐलान करेंगे और अपनी पुरानी मांग पूर्वांचल राज्य का गठन और आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान किए जाने की लड़ाई को नया आयाम देंगे। उन्होंने बताया कि प्रदेश के दर्जन 9 नेता उनके संपर्क में बने हुए हैं और वे अपने समर्थकों के साथ इस मुहिम को जमीन पर उतारने का निर्णय लेंगे। अपने इस्तीफे के बाद शशि प्रकाश ने ओम प्रकाश राजभर पर जोरदार हमला बोला और उन्होंने कहा कि उन्हें कार्यकर्ताओं का सम्मान करना होगा। अर्नल बयानबाजी न करके अपने राष्ट्र हित समाज हित में काम करना होगा, अन्यथा पूर्वांचल की जनता उन्हें कभी माफ नहीं करेगी। उन्होंने बताया कि जो भी पूर्वांचल राज्य का गठन और आर्थिक आधार पर आरक्षण की बात करेगा, हम उनके साथ खड़े रहेंगे। तो बड़ा झटका ओपी राजभर को लगता हुआ नजर आ रहा है, क्योंकि यहां पर अब शशि प्रकाश मुन्ना, जो कि सुहेलदेव व पार्टी के प्रदेश उपाध्यक्ष हैं, उन्होंने सुभा सपा से इस्तीफा दे दिया और साथ ही परिवारवाद का आरोप लगाया है। जी हां, पिता पुत्र की पार्टी बताया है सुभा सपा को। देखना दिलचस्प होगा कि आने वाले दिनों में निकाय चुनाव और लोकसभा चुनाव से पहले उत्तर प्रदेश की राजनीति किस तरफ करवट लेती है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। बाकी खबरों के लिए बने रहिए हमारे साथ, देखते रहिए हमारे चैनल को, क्योंकि यहां मिलेंगी आपको तमाम बड़ी खबरें।